गुजरात का वडोदरा शहर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने से इस शहर को अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है और इसी पहचान को कायम रखता हुआ एक नया वेंचर वडोदरा में शुरू हो रहा है। वैसे भारत हाट और कलारम के रूप में हम उन्हें काफी साल से जानते हैं, लेकिन एक नए आयाम पर एक नए रंग रूप में कलारम जब हमारे सामने आ रहा है, वैसे उद्घाटन कल हो रहा है, लेकिन वीआरएम की हमेशा ये कोशिश होती है कि वडोदरा शहर में होने वाली हर गतिविधि सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इसीलिए कलारम की कल जो शुरुआत हो रही है उससे पहले कलारम की विशेषता, कलारम का नया रंग रूप आप तक वीआरएम के जरिए पहुँच रहा है। कलारम्भ क्यों खास है ये आपने इन तस्वीरों में, इन वीडियोस में देख ही लिया होगा। अब एक एक चीज़ को आपको हम बारीकी से दिखाएंगे कि ये क्यों एक्सक्लूसिव है और क्यों कुछ खास कुछ हटके हैं। शायद ही इस तरीके की जो आर्ट पीसेस हैं वो वडोदरा में आपने कहीं देखे हों। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है और ये खुद हैंडीक्राफ्ट्स के जो आर्टिस्ट हैं वो डिज़ाइन करते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे डिज़ाइन करते हैं। और आप देख पा रहे हैं एक से बढ़कर एक बेहद ही एक्सक्लूसिव, बेहद ही खूबसूरत। अगर आपके घर में ये रखे हों तो ज़रूर आपको कोई ना कोई पूछेगा कि भाई ये आपने कहाँ से लिया। इतने बेहद खूबसूरत आर्ट पीसेस ब्रास के बने हुए, अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ हैं, अलग अलग तरीके के आर्ट पीसेस हैं जो आपके खूबसूरत घर को और भी चार चांद लगा सकते हैं। कोई भी इन प्रतिमाओं को देख कर मुझे नहीं लगता है कि ये पूछे बिना रह सकता है कि ये आपने कहाँ खरीदा। अगर आप मंदिर में इन्हें रखना चाहते हैं तो मंदिर की शोभा तो बढ़ ही जाएगी, और अगर आप इन्हें घर में रखेंगे तो घर भी बिल्कुल चमक उठेगा। उस तरीके के बेहद एक्सक्लूसिव और बारीकी से बनाए हुए आर्ट पीसेस हैं जो वडोदरा शहर की शान को कुछ और दुगना करते हैं। छोटी से छोटी प्रतिमाएँ और बड़ी से बड़ी प्रतिमाएँ, अलग अलग तरीके के आर्ट पीसेस, कल्प वृक्ष, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिलेगी। ब्रास से बनी हुई भगवान की प्रतिमाएं हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो घर के किसी भी कोने में हम रख सकते हैं। यहाँ हर भगवान की, हर देवी देवताओं की मूर्तियाँ अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में देखने मिल रही है। बहुत पुराना इतिहास है इस पूरे बिजनेस का। पूरे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताएंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं वो कल्पवृक्ष है और ये भी कस्टमाइज तरीके से बनते हैं। अगर आप के पास छोटी जगह है तो छोटी जगह में बनते हैं, और अगर आपके पास बड़ी जगह है तो ये उस तरीके से आपके लिए खास डिज़ाइन कर बनाए जाते हैं। भगवान की प्रतिमाओं के साथ साथ आपके घर के, आपके लिविंग रूम के कोई भी कोने की शोभा बढ़ाएं, उतने खूबसूरत आर्ट पीसेस हैं। नवनाथ की नगरी है हमारा वडोदरा शहर, और उसी पहचान को उजागर करती हुई एक अद्भुत शिव जी की प्रतिमा और साथ ही गणेश जी, गणेश महोत्सव जिस तरह से वडोदरा शहर में मनाया जाता है वो बेहद ही एक्सक्लूसिव है, और उतनी ही एक्सक्लूसिव है ये प्रतिमाएं। हर देवी देवता का रूप स्वरूप यहाँ आपको देखने मिलता है। यहाँ शिव फैमिली भी है, यहाँ अन्नपूर्णा देवी भी हैं, यहाँ नटराज भी हैं, यहाँ आदि योगी भी है। ये जिनके कल्प वृक्ष में मैं बात कर रही थी वही कल्प वृक्ष हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। ना सिर्फ कल्प वृक्ष, यहाँ आप देखिए जब आरती हो तब अपने आप ड्रम बजाने की ये जो खूबसूरत आर्ट पीस कलारम में मौजूद है। ना सिर्फ यहाँ भगवान की प्रतिमाएं हैं, लेकिन मंदिर में इस्तेमाल होने वाली हर तरह की वस्तुएं हैं, अलग अलग तरीके के, एक से बढ़कर एक बेहद खूबसूरत दिए हैं यहाँ, और दियों की जो वैरायटी है वो वाकई में बेहद अद्भुत है। अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग रंग रूप में, अलग अलग प्राइस में यहाँ दिए तैयार किए गए हैं जिनके हर एक के डिज़ाइन अलग अलग हैं। छोटे दियों से लेकर बड़े दियों तक, घर के मंदिर से लेकर बड़े मंदिरों तक, कहीं भी इस्तेमाल हो इस तरीके की वस्तुएं कलारम्भ में एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई है।
ये जो पूरा बेहद खूबसूरत सेटअप जमाया है कलारम का, वो शाह परिवार की मेहनत है और सालों की मेहनत है। शाह परिवार के नीरव शाह हमारे साथ है जो इस पर जानकारी देंगे। नीरव भाई, सबसे पहले तो नीरव भाई के हाथ में एक शंख है जो बजता भी है। नीरव भाई, हम जरूर इसे बजाकर सुनना चाहेंगे ताकि व्यूअर्स जो हैं वो आपकी जो डेडिकेशन है वो भी समझ सके। नीरव भाई, क्या कहेंगे, ये जो पूरा सेटअप लगाया है और एक नए स्वरूप में आप वडोदरा शहर के सामने आ रहे हैं। तो मैडम, ये मैं पहले वडोदरा की नहीं, गुजरात के नहीं, पूरे इंडिया की जनता को ये बताना चाहूँगा कि हमने ये शंखनाद से शुरू किया है। ये शंखनाद है नए उदय का। हस्तकला, इंडियन हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की अंदर जो नई शुरुआत हो रही है, जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए जो शुरुआत हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होके ट्रेडिशनल आर्ट को किस तरह से और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी जो शुरुआत हो रही है, उसी का ये शंखनाद है। और हम इंडियन हैंडीक्राफ्ट चीज़ को और ज़्यादा अच्छी तरीके से, सहलाई से इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सके, इसके लिए हमने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, बहुत सारे टाइप किए हैं जो हम आगे बात करेंगे उसके अंदर। सर, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने देखी वो तो वाइड रेंज है बहुत सारी चीज़ों की, क्या क्या है आपके पास अवेलेबल? सबसे पहले तो हमारे पास, हमने शुरुआत किया था परफ्यूम एंड अगरबत्ती से, बिफोर 60 ईयर्स मेरे ग्रैंडफादर ने शुरुआत की थी। ये परफ्यूम अगरबत्ती में हमने ट्रेडिंग से शुरुआत की थी, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, साथों साथ रिलीजियस प्रोडक्ट थी तो भगवान की चीज़ें, गॉड स्टैचू, गॉडेस स्टैचू, फिर उस पर भी मैन्युफैक्चरिंग और 3D टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने शुरू किया। ब्रास की पंच धातु की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ हम लोग बेचते हैं। उसके बाद हम लोग होम डेकोर में आए, रिलीजियस प्रोडक्ट में आए, हम लोग कॉरपोरेट गिफ्ट में आ गए। हमने मोमेंटोस, पॉलिटिकल मोमेंटोस में आज इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल करने वाली यूनिट बन गई है हमारी। हम लोग होलसेल, ऑनलाइन, सोशल मीडिया एंड रिटेल सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और देश और नहीं दुनिया की हर एक जगह पे हम लोग ये सब चीज़ें बेचते हैं। हमने इंडियन पोस्ट के साथ टाइप किया है, फेडेक्स के साथ टाइप किया है, और हर जगह पे ये प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में हम पहुँचाते हैं। दूसरी चीज़, कस्टमर को ये चीज़, हमारी इंडियन हस्तकला की चीज़ें ज़्यादा आसानी से मिल पाए, इसलिए हमने पायोनियर, पेपल जैसी कंपनियों के साथ भी टाइप किया है, ताकि फॉरेन के, बाहर के, इंडिया के कस्टमर इंटरनेशनल उनके खुद के करेंसी में पेमेंट करके हमारे पास ऑर्डर दे सके। और साथ साथ हमने बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने बजाज फाइनेंस के साथ भी टाइप किया है, तो हमारे कस्टमर अभी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें EMI पे भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमने टाइप्स किए हैं ताकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट चीज़ को हम नई ऊँचाइयों पर लेके जा सकें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारत में बनी हुई वस्तुओं को प्रमोट करते हैं, खासकर हैंडीक्राफ्ट की वस्तुओं को प्रमोट करते हैं, और कुछ उसी अभियान को आगे बढ़ा रहा है शाह परिवार, और शाह परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से इस पूरे बिजनेस को 60 सालों तक एक बेसिक ट्रेडिंग से शुरुआत कर अब इंटरनेशनल स्तर पर पहुँचा दिया गया है। इस पूरे बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई ये भरत भाई शाह हमें बताएंगे, जिनके पिताजी ने इसकी शुरुआत की थी। भरत भाई, कहाँ से ये शुरुआत हुई थी और क्या कहना चाहेंगे, आपका बिजनेस जो शुरू हुआ था? ये मेरा बिजनेस 65 साल पुराना है। पहले मेरा बिजनेस था ग्रोसरी शॉप। अच्छा। और 91 से ये मैंने, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मैंने धीमे धीमे नॉलेज खड़ा किया, फिर परफ्यूम चालू किया, फिर अगरबत्ती चालू किया, धीमे धीमे ब्रास ने वो सब चीज़ चालू किया, और धीमे धीमे आज टॉप पे आ गए हम। कितनी मेहनत लगती है जब आप बेसिक से शुरुआत करते हैं और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं? तो मेहनत तो हमें वो जो फॉरेन से परफ्यूम आता है उसमें हम रीप्रोसेस करते हैं और ये बाटलों में भरते हैं और अलग अलग नाम से हम बेचते हैं। लगभग 75 वेराइटी मेरे पास है फॉरेन की, सब ब्रूट, पॉइजल, ड्रकार, एवो, कोलोमाली, चार्ली, सिगार, जोन मस्क, सब परफ्यूम मेरे पास है। और इस बिजनेस की शुरुआत किसने की थी और कौन से लेवल पर की थी? मेरा फादर बहुत पहले ब्लाइंड था और उनने शुरुआत किया था, जब ग्रोसरी शॉप था, तब मैं 10वीं में पढ़ता था, तब मेरे को बोला कि अभी पढ़ने का बंद करो, दुकान पे बैठना पड़ेगा, तो मैं ग्रोसरी शॉप पे बैठा, ग्रोसरी शॉप, फिर मेरे को एलर्जी होने लगी तो मैंने बंद किया और गिफ्ट शॉप चालू किया। इससे मैं धीमे धीमे ये भगवान और ये
प्रोडक्ट चालू किया। गुजराती मां कहवाय ने के शून्य माथी सर्जन, कुछ उसी तरीके का ये पूरा बिजनेस सेटअप है जो भरत भाई शाह उनके पिताजी ने शुरू किया था और पूरी फैमिली ने मिलकर इसे आगे बढ़ाया है। इस बिजनेस को कुछ और ऊंचाई पर ले जाने वाले झलक शाह हमारे साथ है। झलक भाई से भी जानेंगे कि ये जो प्रतिमाएं हैं ब्रास से बनती हैं उसमें क्या टेक्निक इस्तेमाल होती है, क्योंकि एक चीज़ बनाना अलग बात होती है और एक्सक्लूसिव आर्ट पीस बनाना बहुत अलग बात होती है। और वडोदरा शहर के जो आर्टिस्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट के जो कलाकार हैं, वो ये बखूबी करते हैं। झलक भाई, किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है इन सारी प्रतिमाओं को बनाने? दर्शकों को नमस्कार हमारी तरफ से। पहले के ज़माने में जो कारीगर थे पूरा हैंडवर्क करते थे, और छोटे छोटे मटेरियल जो आते थे वो टेक्नोलॉजी से काम होता था, लेकिन हमने उसमें बहुत सारे बदलाव लाए। अभी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी से हम लोग कारीगर को डिज़ाइन बता दे कि ऐसा ऐसा कारीगर ऐसा किया, डिज़ाइन बनवाते और उसका 3D प्रिंट एक निकालते हैं। 3D प्रिंट निकालने के बाद उसके ऊपर जो भी हैंडवर्क करना पड़ता है वो लोग हम लोग उसके पे हैंडवर्क करवाते हैं। बाद में डाई के लिए हमारे पास वो पीस रेडी होता है। बाद में उसके ऊपर हम लोग मिट्टी का एक पीस बनाते हैं, और मिट्टी का पूरा पीस बनाने के बाद उसके ऊपर भी जो भी हमको खामियाँ लगती है, बारीक बारीक जो वर्क हैंडीक्राफ्ट होता है वो लोग हम लोग करवाते हैं। बाद में उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डाई बनाने का। तो ये सब जो ब्रास की हमारी जो आर्टिकल है उसकी ब्रास की डाई बनती है, और उसके बाद एकदम 200 डिग्री पे सेल्सियस पे गर्म होता है। बाद में ढिलाई करके वो सब प्रोडक्शन होता है, उसमें फाइलिंग करना, फिनिशिंग करना, बाद में उसके ऊपर सब कलर लगाना, वो सब हमारा कारीगर एकदम हाई क्वालिटी के कारीगर हम लोगों ने रखे। उसका डिफरेंस भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, कौन सा डिफरेंस मार्केट में मिल रहा है और हमारा क्या डिफरेंस रहता है। दो आपको आइटम आपको दिखा रहा हूँ मार्केट में जो मिल रहा है, और ऐसा ए वाला पीस मिलेगा मार्केट में, और हमारे उधर जो मिलता है हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके किया है वो एकदम बारीक उंगलियाँ भी सब दिखेगी, आगे पीछे पूरा वर्क एकदम शार्पनेस आपको दिखेगा। बड़ी मूर्ति छोटी मूर्ति सब हम ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप सोचिए कहाँ कहाँ हो रहा है। प्रतिमाएं, भगवान की प्रतिमाएं, भगवान ने हम सबका सर्जन किया है और अब मनुष्य खुद भगवान का सर्जन कर रहा है, और वो भी कितनी बखूबी तरीके से टेक्निक के इस्तेमाल के साथ कर रहा है, और इसीलिए ये प्रतिमाएं जो हैं इतनी खूबसूरत और इतनी बारीक नक्काशी वाली हैं। सिर्फ भगवान की प्रतिमाएं और मंदिर में रखने वाला सामान, लेकिन घर के हर कोने को सजाने वाले खूबसूरत सामान आपको कला आरंभ में मिल जाएगा, और यहाँ खूबसूरत मोमेंटो भी हैं। नीरव भाई खुद इसके बारे में जानकारी देते जाएंगे। नीरव भाई, क्या क्या है आपके पास मोमेंटो में, अलग अलग डेकोरेटिव पीसेस में? यहाँ पे सब नॉटिकल आइटम्स है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से नॉटिकल आइटम्स घर सजाने के लिए या गिफ्ट देने के लिए लेके जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनर पीस और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया पीस यहाँ पे मिल जाएंगे। ये ब्रास के झूला चेन है। झूला चेन में 24 डिफरेंट डिज़ाइन अवेलेबल है हमारे पास। ये जो डिज़ाइन है वो यूनिक डिज़ाइन है, पूरे गुजरात में एक रूफ टॉप के नीचे यहाँ पे ही सिर्फ मिल पाएगा। और ये ब्रास के पीसीस की ये खासियत ये है झूला चेन की कि अगर आप इसकी स्ट्रेंथ इतनी बड़े है कि आप तीन लोग की सिटी के झूला पे चार लोग अगर कूदे भी गए तो भी वो कुछ नहीं होगा झूला चेन को, इतनी वहाँ पर स्ट्रेंथ है उसकी। प्लस साथ में यहाँ पे ब्रास के बहुत ही सुंदर फ्लावर ये डिज़ाइनर वाटर फाउंटेन है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये क्या वडोदरा का वर्ड है कि कल्प वृक्ष है? ये कल्प वृक्ष तो है ही है, लेकिन उसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि हमारी वडोदरा की जो खासियत है वर्ड, वो भी वहाँ पे उसकी एक झलक नज़र आती है। तो हूबहू उसको वडोदरा के वर्ड के हिसाब से बनाया हुआ है। और उसके साथ में आप नीचे देखोगे सरदार पटेल की प्रतिमा जी, तो हम लोग ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू तो देखा है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अलग अलग डिफरेंट पोजीज, अलग अलग डिफरेंट टोटल 65 वेराइटीज ब्रास एंड फाइबर में हमने बनाए हुए हैं, वो भी आपको यहाँ पे कॉरपोरेट गिफ्टिंग के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे दिवाली और मैरिज गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट मिल जाएंगे, बहुत सारी वेराइटीज़ है। तो प्राइस रेंज भी आपको जो है वो बहुत ही कम रेंज से शुरू होकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेवी रेंज वाली भी प्रोडक्ट है यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास। उसके साथ बहुत यूनिक चीज़ वेराइटी आपको एक दिखाना चाहूँगा, इसे सिंकिंग बाउल कहते हैं हम। दिस इज़
साइंटिफिकली बाउल है, इसमें साउंड थेरेपी होता है। तो आज की तारीख में आप गूगल पे इसको सर्च करोगे तो आपको उसकी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो साउंड है, ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो साउंड है और उसके साथ जो वाइब्रेशंस आते हैं वो पूरे घर में और पूरे शरीर में पॉजिटिविटी फैलाते हैं। आपको ये बजाने के बाद ये जब शुरू होगा तो आपको उसकी फील आ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये चीज़, ये जो वाइब्रेशंस है, यू कैन फील दीज वाइब्रेशंस, ये पूरे एटमोसफियर में 5 से 7 मिनट तक रहता है और उसकी वजह से आपको ये बहुत ही पॉजिटिविटी घर में आ जाती है। और साथ साथ ये जब साउंड करेगा तो उसके साथ ओम का आवाज़ भी निकलता है। यह है कलारम की वो टीम जो तैयार है आपके वेलकम के लिए। कल कलारम की शुरुआत हो रही है, प्रवेशोत्सव आप देख पा रहे हैं, पूरा मंच सजा कर रखा है और वडोदरा की सांसद के हाथों शुभारंभ होगा। और ये पूरा ट्रेंड स्टाफ है, पूरा शाह फैमिली है जो कलारम को सालों से एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। तो गुजरात की कला नगरी की पहचान को सही मायने में उजागर करने वाले कलारम की हमने आपको सैर करवाई और क्या क्या अवेलेबल है आप देखिए, हर एक चीज़ है। वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो यहाँ साकार होता है। लग्जूरियस परफ्यूम से लेकर नेचुरल अगरबत्ती, कॉरपोरेट गिफ्ट से लेकर रिटर्न गिफ्ट, पूजा सामग्री से लेकर रिलीजियस आइडल, होम डेकोर से लेकर सोशल मोमेंटोज, एलिगेंट फ्रेम्स, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, मैरिज गिफ्ट, फेस्टिवल एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल हैं। तो अगर अब आपको कोई भी छोटी मोटी ज़रूरत हो, आप कलारम की विजिट ज़रूर कर सकते हैं वडोदरा शहर में, एक शानदार शुभारंभ कलारम के रूप में।